हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों, एस सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR ने अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है, जो कि दोस्तों ऑनलाइन होगी। और दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है, 2200 से भी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट निकली है, जिसकी जो फीस है वो भी जीरो रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से करना, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा एस सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR। इसके बाद आपको बताया कि ECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर निकले हुए हैं, साथ यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर तक चलेंगे, यानी कि लगभग एक महीने का जो टाइम पीरियड आपके पास रहेगा, 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो ही आपकी फीस 100 रुपये रहेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, ये जो फीस है ये आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एज लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपकी उम्र का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 को होगा। इस दिन दोस्तों आपकी उम्र अप्रेंटिस के हिसाब से 15 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको उम्र कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और केवल मोबाइल की सहायता से ही अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो सिंपली आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दोस्तों आप जिस स्टेट से फिल करेंगे उस स्टेट का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, 10th में आपके कम से कम 50% जो मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था 2200 से भी यहाँ पर ज्यादा पोस्ट निकली है, तो लगभग 2206 यहाँ पर पोस्ट निकली है। आप अलग अलग डिवीजन में जो अलग अलग वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे धनपुर डिवीजन, इसके बाद समस्तीपुर डिवीजन और दोस्तों सोनपुर डिवीजन, अलग अलग डिवीजन में या फिर वर्कशॉप में यहाँ पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज दिया गया, जैसे जर्नल में, OBC SC ST EWS में टोटल यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपके एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सीओस्टिक होने चाहिए। दोस्तों आपके फोटो साइन ID प्रूफ जो स्कैन होकर अपलोड होंगे, और दोस्तों फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके लिए अभी से अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।